Assalamu alaikum student, how are you all? I hope you all are fine. This is PR3 session. Now we will start our oral session. Oral session में हम पहले ORT की रीडिंग करेंगे. हमारी जो बुक है द ड्रीम वो हम पहले भी कर चुके हैं. आज हम उसका पेज नंबर 10 करेंगे. आप लोग भी मेरे साथ रीड कीजिए, ठीक है. This had to fight it. This had to fight it. पेज नंबर 12 है बिफ वैन डाउन स्टेयर्स. बिफ वैन डाउन स्टेयर्स. मम टोल्ड हर अ स्टोरी. मम टोल्ड हर अ स्टोरी. द स्टोरी वॉज अबाउट आर डॉल्फिन. द स्टोरी वॉज अबाउट आर डॉल्फिन. और पेज नंबर 16 है ये लास्ट आप लोगों का. बिफ ड्रीम अबाउट अ डॉल्फिन. Biff ड्रीम अबाउट अ डॉल्फिन. जब उसको पहले उसके फादर ने डायनासोर उसके बारे में बताया था, ड्रैगन के बारे में, तो वो उसके ड्रीम देखता था. अब उसकी मदर ने उसको डॉल्फिन का बताया है तो वो उसके ड्रीम देखती है, ठीक है. ये आप लोग इसी तरह रीड करेंगे पेज नंबर 16 तक. और उसके बाद अपनी पीपी बुक निकालिए. पीपी बुक से हम क्वेश्चन रिवाइज करेंगे. क्वेश्चन नंबर हमारा है 17. विच कॉन्टिनेंट आर वी इन. Which continent are we in? तो इसका आंसर क्या है? We are in Asia. We are in Asia. आप भी अपनी पीपी बुक के पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन रिवाइज करेंगे. और ये आप लोगों का ओरल है, ठीक है. Now we will start our उर्दू बुक वर्क. उर्दू की बुक का और कॉपी का वर्क करेंगे हम. पेज नंबर 89 है. तस्वीर देखकर मुंदरजा ज़ेल सवालात के जवाब खाने में से चुनकर लिखिए. यह आपका तस्वीरी तफहीम है. यहाँ पे देखें मददगार अल्फाज भी लिखे हुए हैं. इसकी मदद से आपको ये सवालात के जवाब देने हैं, ठीक है. सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा सवाल? बाग में कितने दरख्त हैं? आप देखें यहाँ पे तस्वीर में कितने दरख्त नज़र आ रहे हैं? दो, ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाग में दो दरख्त हैं, ठीक है. इसी तरह बाकी भी आप सवाल पढ़ेंगे इसमें और उनके जवाब इस तस्वीर में से देखकर यहाँ पे लिखेंगे. और ये आपका पेज नंबर 89 है जो आपको कंप्लीट करना है. इसके बाद आपका पेज नंबर 90 है. इसमें भी यही है, मुंदरजा ज़ेल सवाल के जवाब खाने में से चुनकर लिखने हैं, ठीक है. इसमें भी क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ उस्तानी के हाथ में क्या है. देखें उस्तानी के हाथ में क्या है? किताब. तो यहाँ लिख देंगे उस्तानी के हाथ में किताब है, ठीक है. ये आप लोगों का पेज नंबर 89 और 90 आप कंप्लीट करेंगे उर्दू की बुक में. और हमारा उर्दू की कॉपी में जो वर्क है वो है तख्लीकी काविश मेरा बस्ता. आप लोग पहले भी कर चुके हैं. जिस तरह से इंग्लिश में हम क्रिएटिव राइटिंग करते हैं इसी तरह से हम ये उर्दू में कर रहे हैं. मेरा बस्ता. मेरा बस्ता आप उस पर लिख सकते हैं. ये मेरा बस्ता है. ठीक है, ये मेरा बस्ता है. इसका रंग कुछ भी रंग लिख सकते हैं. मैं यहाँ लिख देती हूँ हरा. आप इसकी जगह कोई और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है. मैं इसमें किताबें और कॉपियाँ रखता हूँ या रखती हूँ. मुझे मेरा बस्ता पसंद है. इस तरह से आपको ये तकरीबन 5 या 4 लाइन्स में अपनी कंप्लीट करनी है तख्लीकी काविश, ठीक है. इसके बाद आपका जो दूसरा काम है उर्दू की कॉपी में वो है सब्ज़ियों के नाम लिखिए. सब्ज़ियों के नाम आप पहले भी लिख चुके हैं, जैसे आलू, प्याज, आलू, प्याज, गाजर, मटर. आप पीछे से भी देख के लिख सकते हैं और इसके अलावा भी आपको कोई लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है. ये उर्दू की कॉपी का बुक का वक्त था जो मैंने आपको बताया. ये आपको इसी तरह से करना है. नाउ वी विल स्टार्ट अवर इंग्लिश वर्क. इंग्लिश की कॉपी में जो वर्क है हमारा क्रिएटिव राइटिंग है पैरेट. क्रिएटिव राइटिंग हमें करनी है पैरेट पे. मैं आपको 1 से 2 लाइन्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. उसके बाद आप लोग ये क्रिएटिव राइटिंग घर में किसी के भी साथ बैठ के खुद देखेंगे, ठीक है. जिस तरह से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दिस इज अ पैरेट. उसका कलर देख लेंगे. इट्स कलर is green, ठीक है. It has 2 wings
और जो भी पैरेट्स का आता है, पैरेट का आता है, हम वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपको इसी तरह से कंप्लीट करनी है 4 या 5 लाइन में, ये पैरेट की क्रिएटिव राइटिंग इंग्लिश की कॉपी। इंग्लिश की बुक का वर्क है आप लोगों का पेज नंबर 101, इसमें है द बुक शेल्फ रीडिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन, ठीक है। इसको पहले हम रीड करेंगे। द बुक शेल्फ इन माई हाउस होल्ड मैनी बुक्स एंड सम पिक्चर्स एंड कैंडल्स। इट इज़ अ टॉल बुक शेल्फ। देयर आर लार्ज बुक्स एंड स्मॉल बुक्स। देयर आर ऑल्सो बुक्स फॉर किड्स एंड बुक्स फॉर एडल्ट्स। देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ माई मॉम एंड डैड एंड अ पिक्चर ऑफ माई फैमिली। देयर आर 2 ब्लू कैंडल्स एंड अ येलो कैंडल्स। आई एम ग्लैड द बुक्स आई लाइक आर ऑन द लोएस्ट शेल्फ। ठीक है, इसी तरह से आप इसका रीडिंग करेंगे, फिर आंसर देंगे हम क्वेश्चन के। व्हाट साइज इज द बुक शेल्फ? बुक शेल्फ का साइज आपने पढ़ा था ना, यहाँ क्या है? इट इज़ अ टॉल बुक शेल्फ। इस तरह से आप यहाँ पे राइट कर देंगे इसका आंसर, और बाकी भी आप देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे, और इसी में से इसी कॉम्प्रिहेंशन से आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। आपने राइट करके पेज कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों की बुक का लास्ट पेज, पेज नंबर 102, एप्पल पिकिंग। टीना एंड जो वेंट एप्पल पिकिंग। टीना पिक 10 एप्पल्स एंड जो पिक 7। दे विल गिव द एप्पल्स टू देयर मॉम व्हेन दे गेट होम। शी विल यूज़ द एप्पल्स टू मेक एप्पल पाई। ठीक है, इसकी भी हम रीडिंग करेंगे। उसके बाद क्या है क्वेश्चन? वेयर डिड टीना एंड जो गो? टीना एंड जो कहाँ गए थे? वो कहाँ गए थे? एप्पल पिकिंग करने गए थे। इसी तरह से आप इसका आंसर यहाँ राइट करेंगे, और बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से पढ़ के यहाँ पे उसका आंसर राइट करेंगे, ठीक है। और ये आपकी इंग्लिश की बुक का और कॉपी का मैंने वर्क बताया। जीके की कॉपी में आपका वर्क है राइट डेज नेम। डेज नेम हम पहले भी कर चुके हैं, अब यहाँ पे आप डेज नेम लिखेंगे। मंडे, इसी तरह से मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। आप 2 टाइम्स ये वाला वर्क करेंगे। आप डेज के सारे नाम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ पे भी राइट करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का इंग्लिश जीके का वर्क है, और उर्दू जीके का बता रही हूँ अब मैं। उर्दू जीके में आप लोगों को लिखने हैं जानवरों के नाम, ये भी आप पहले लिख चुके हैं। शेर, बिल्ली, गाय, ऊँट, जो भी हैं जानवर, जो भी आपको ईजी लगे वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या तो वही वाले देख के लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका जीके की कॉपी का वर्क है, और इंग्लिश का भी मैंने इसी के साथ बताया है, आपको सब कंप्लीट करना है। नाउ वी विल स्टार्ट अवर मैथ्स कॉपी वर्क। मैथ्स का जो वर्क है आपका बैकवर्ड काउंटिंग है 100 से 51, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे 100 से। एच फॉर 100, टी फॉर टाइम्स एंड यू फॉर यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? 100, यहाँ पे हम 100 लिखेंगे। व्हाट कम बिफोर 100? 99, 98, 97, ठीक है। इसी तरह से आप ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। एंड व्हाट कम बिफोर 91? 90, 80 की लाइन आएगी यहाँ पे, 70 की, और लास्ट में 60 की लाइन हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा? 51, ठीक है। इस तरह से आपकी बैकवर्ड काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी 100 से 51। सेकंड जो आपका वर्क है टेबल ऑफ 4 है, आप लोग टेबल ऑफ 4 लिखेंगे। 4 1s are 4, 4 2s are 8, इसी तरह से आप ये कंप्लीट करेंगे टेबल ऑफ 4, ठीक है। ये मैथ्स का वर्क था जो मैंने आपको बताया है, इंग्लिश का, उर्दू का और जीके का भी वर्क बता दिया मैंने। इस वीक में आपने वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।